आरजेडी शिवसेना टीआरएस आरएसपी वीसीके वनी कांग्रेस एमडीएमके आईयूएमएल सीपीआई सीपीआईएम जेएमएम नेशनल कांग्रेस आरएलडी We are also trying to contact Mamta ji. She was leading some conference, so our contact is not established. And secondly, we are also trying to contact Arvind Kejriwal, but message came from his office. The last time, when we have finalized candidates for Rashtrapati, they have announced their support the day before yesterday. And here also, they are going to announce their support, I think, tomorrow or day after tomorrow. Our collective thinking is, on Tuesday, on Tuesday 19, we file her nomination on behalf of all these political parties. Any other question? Thank you. Sir, what about the TMC, sir? Who all were the part of it? No, no. He just read out the list. Okay, sir. TMC and Aam Aadmi Party, you tried to reach out to them, but TMC, they were supportive. TMC has also tried to reach out to them. TMC has also an online conference. After she, that is over, she will get in touch with him. TMC is on board with the unanimous decision. They have already conveyed to him that whatever you people decide unanimously, they will support. How many parties so in all, sir? The total number of parties, sir? 16 without TMC and AAP, sir. 17. Excluding TMC and AAP. Then AAP and TMC will be, then will be 17 plus 2. JMM is there. DMK is included. Sanjeev, DMK is included. DMK. शिव सेना से पूछिए ना, बैठक में है तो क्या आखिर तक बहुत से पार्टी ने लिया था, जेएमएम ने लिया था, आज हमारे साथ है, ये चुनाव में हम एक साथ। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड, थैंक यू सर, थैंक यू, लेकिन पद के उम्मीदवार और विपक्ष ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा यहां पर कर दी है। कांग्रेस की नेता रही है मार्केट अल्बा। आइए सीधे कमल जी संधू हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। कमल, जगदीप धनखड़ के मुकाबले मार्केट अल्बा, क्या सोचकर विपक्ष ने अल्बा के नाम का ऐलान किया है? देखिए, ये जो घोषणा है वो अभी हुई है और खासतौर पर अगर हम बात करें जो उपलब्धि है, क्योंकि अगर आप बात करें जगदीप धनखड़ की, वो भी फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, वो राजस्थान के निवासी रहे हैं, लेकिन खास तौर पे गवर्नर पोस्ट रहा है उनका। और जहां तक मार्गरेट अल्बा है, वो फॉर्मर गवर्नर ऑफ राजस्थान पे, आपको ये भी बता दें कि क्योंकि राजस्थान में भी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो एक राजस्थान लिंक जिस तरह से ऑपोजिशन ने भी ढूंढ निकाला है, ये सब देखने वाली बात है। और काफी समय से वो पॉलिटिशियन रही है, गवर्नर रही है, चाहे हम बात करें गोवा की, चाहे बात करें गुजरात की, फिर राजस्थान की और उसके बाद उत्तराखंड की, तो एक लंबा टेन्योर है। और एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में उनका रोल है, वो सब चीजें अब माने रखती हैं, खासतौर पर क्योंकि नाम पर जिस तरह से स्टैंप लगना होता है, जिस तरह से ऑपोजिशन का एक रहना बहुत जरूरी है इस वक्त पर, इस वजह से मार्गरेट अल्बा अब सबसे आगे निकली है और उनका नाम अब घोषित किया गया है।
खासतौर पे ये चुनौती रहेगी कि गवर्नर वर्सेस गवर्नर इस तरह का एक बन रहा है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है। मार्गरेट अल्वा वर्सेस जगदीप धनकर इस तरह से देखा जा रहा है। दोनों के पास ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन भी है, प्रशासन को हैंडल करने का पूरा एक तजुर्बा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो चार बार गवर्नर रह चुकी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गोवा, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद उत्तराखंड में, तो ये अब सामने आ रही हैं। लेकिन जहां तक बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की, वहां पे इस तरह से लग रहा है कि बीजेपी और एनडीए का जो घटक है वो काफी आगे है और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन कहीं पीछे है। लेकिन क्या सहमति से इस तरह से वो जो लड़ाई होगी उसमें किसकी जीत होगी वो बाद में पता होगा। पर कल राष्ट्रपति के चुनाव है, उससे पहले ये नाम घोषित किए गए हैं। काफी दिलचस्प हो जाता है ये कॉन्टेस्ट, गवर्नर वर्सेस गवर्नर या फॉर्मर गवर्नर वर्सेस फॉर्मर गवर्नर, इस तरह से देखा जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद कमल कमलजीत संधू, हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, गवर्नर मार्गरेट अल्वा अब विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई है।